टेक्निकल हाउस चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को सबसे पहले प्रेस करें। सो फ्रेंड्स, पेगासस वाली वीडियो देख के आप एक बार फिर से हमारे चैनल पे वापस आ चुके होंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए आज का वीडियो यार सबके लिए मजेदार होने वाला है, क्योंकि मैं आज जो एक्सपीरियंस मतलब कमाल कर दिया एक बंदे ने यार। हमने कल एक पेगासस वाली वीडियो डाली थी, मतलब इसकी आगे की वीडियो, जहाँ पे पैकेजेस जैसा सिमिलर कोई भी वायरस होता है जो आपके फ़ोन को, आपके डिवाइस को, आपके लैपटॉप पीसी को कैसे डिस्ट्रॉय करता है, मतलब आपकी सारी फाइल्स होती है उसको कैसे अटैक करके कैसे डिस्ट्रॉय करता है। सिर्फ दो लाइन का कोड दिया था जो कि डिस्ट्रॉय का कोड था, रिमूव का कोड था, वो वाकई में कुछ इस तरह से वर्क नहीं करता। उसके लिए हाई सिक्योरिटी भी हमें ब्रेक करनी होती है, ऐसे नॉर्मली किसी के पीसी में चले जाके डिस्ट्रॉय कर देते ऐसा नहीं होता है। मैंने सिर्फ वहाँ पे सिर्फ ऐसा आपको दिखाया था कि इस तरह से होता है। मुझे पता था कि यार काफ़ी सारे लोग इसका ट्राई मेक श्योर करेंगे, तो उनमें से एक बंदे ने ऐसा ट्राई किया है और उसके साथ क्या हुआ है वो आप मतलब सोच नहीं सकते यार। मुझे तो वो शायद से वीडियो देख रहे हैं तो यार प्लीज़ सॉरी यार, मतलब मैं आपका नेम नहीं लूँगा, लेकिन पूरा एक्सप्लेन श्योर करूँगा कि आपने जो मुझे कहा है वो सारी चीज़ यार मुझे मेरे फ्रेंड्स को बतानी पड़ती है। मतलब यूट्यूब का फैमिली है, टीएच फैमिली, टेक्निकल हाउस बताना पड़ता है। और हाँ, टेक्निकल हाउस से मुझे याद आया कि यार मेरा नाम है येशु पटेल, शायद से आप नहीं जानते होंगे, तो इंस्टाग्राम पे यार आईडी दे के रखा है, फॉलो कीजिए, थोड़ा क्या था फॉलोवर्स बताएगा। और साथ ही आपको स्टार्टिंग में एक इंट्रो मिल गया होगा डिस्क्लेमर के साथ, इस बार मिला होगा क्योंकि यार मुझे डिस्क्लेमर आगे की वीडियो में भी लगाया था और इसमें भी लगाया है, लगाना पड़ता है क्योंकि कुछ ऐसी वीडियोज आती है मतलब आप लोग फॉलो नहीं करते और मुझे ब्लेम करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मुझे डिस्क्लेमर लगानी पड़ती है। तो वहाँ पे मैंने सब्सक्राइब दिया था, तो आई होप कि आप लोगों ने अब तक तो यार सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस वीडियो को लाइक किया होगा और अपने फ्रेंड में शेयर भी कर दोगे, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यार बात कुछ ऐसी है कि मैंने जो पैकेजेस के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे पैकेजेस के डिटेल्स में भी दिया था और पैकेजेस कैसे वर्क करता है वो मैंने दिखाया था, तो वो किसी को नहीं पता कि पैकेजेस वाकई में कैसे वर्क करता है। लेकिन काफ़ी और वायरस होते हैं जो आपके पीसी, आपका लैपटॉप, आपके कंप्यूटर में कहीं भी आपके डिवाइस में आके अटैक कर देते और उस अटैक के अटैक में आपकी सारी फाइल को डिस्ट्रॉय कर देते या फिर सारी की सारी फाइल डिलीट कर देते, आपके फ़ोन को वाइप कर देते, कुछ भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं तो उसका एक छोटा सा टूल मगर आपको एक दिखाया था कि नहीं दिखाने वाला हूँ दोबारा, वो टूल दिखाया था समझ लीजिएगा, देखने तो आई बटन पे लिंक है, लेकिन मेक श्योर कि आप ट्राई नहीं करोगे, उसी उम्मीद से जाना कि आप उसको ट्राई नहीं करोगे। जो ट्राई किया उसका आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने सिर्फ दो लाइन का तो कोड दिया था, राइट, तो उस बंदे ने क्या किया, उस दो लाइन को फोर लाइन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक फोर लूप लगा दिया, छोटा सा फोर लूप, और उस फोर लूप में जो मैंने एग्जीक्यूट किया था कोड उस डिस्ट्रॉय को मतलब लगा दिया, कॉल करवा दिया, राइट। अब उस आईडी, उस गलती से उन्होंने डेस्कटॉप पे रन किया, तो डेस्कटॉप पे जो रन किया वो बेसिकली सी ड्राइव में स्टोर होता है, तो डेस्कटॉप पे सारी की सारी एप्लीकेशन तो मतलब जो इंस्टॉल की थी वो तो चली गई, तो और उस उन्होंने मुझे ब्लेम किया कि आपने जो कोड लिखवाया था, जो कोड आपने रन करवाया था, उनसे मेरी सारी एप्लीकेशन डिलीट हो गई, रिमूव हो गई, अब मैं इसका क्या करूँ। तो भाई मैंने बोला शुक्रिया कि आपने डेस्कटॉप पे रन किया, नहीं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट के जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेस पॉइंट आते हैं ना, कुछ डेटा वगैरह होते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, उस पे रन नहीं किया, उस पे भी आप रन कर देते तो आपका विंडोज भी जा सकता था, आपका विंडोज स्वैप हो सकता था। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई आप गलत रन करवा रहे हो, तो मैंने बोला मैंने कौन सा भाई रन करवाया है, मैंने तो सिर्फ आपको दिखा है कि इस तरह से वर्क होता है। यार वो मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करने लगा कि आपने ये करवाया वो करवाया, तो मैंने बोला भाई तू वीडियो मत देखना, क्योंकि मैं जो लर्न करवाता हूँ वो एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है, किसी और रीजन से नहीं होता है, आपको थोड़ा सा नॉलेज मिले इसलिए मैं ऐसा टूल दिखा रहा हूँ। और उस टूल में मैंने कितनी बार बोला था कि इसका यूज़ मत करना, फिर भी आप जाके उसका यूज़ कर देते, तो यार उसमें मुझे ब्लेम करने वाली कोई चीज़ नहीं आती है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं आपकी उस मैंने बोला कि यार मैं आपको हो सके तो थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ कि मुझे आपका जो एक्सेस पॉइंट है वो दीजिए, मतलब आप स्क्रीन शेयरिंग कीजिए, गूगल मीट पे कीजिए, नो डाउट, मैं सिर्फ देख लेता हूँ कि आपने क्या गलती की है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपको कोड का स्क्रीन शॉट भेजता हूँ, तो उन्होंने कोड का स्क्रीन शॉट भेजा, तो यार सॉरी तो यार उन्होंने ना फ्रेंड्स मतलब फोर लूप लगा दिया था, तो मैं समझ गया कि यार फोर लूप में एक गलती ये की थी, ग्रेटर देन और लेस देन में गलती हो जाती है, राइट, तो उन्होंने लेस ग्रेटर देन की जगह लेस देन लगा दिया था और फॉर लूप में
इंक्रीमेंट करवा दिया था आई प्लस प्लस का, आई थिंक आई वेरिएबल लिया था, उसको इन्फिनिटी लूप में चला दिया और वहां पे एग्जीक्यूट करवा दिया। और एग्जीक्यूट तो मैंने सिर्फ पीवाई में करवाया था, लेकिन उसका यार माइंड पता नहीं यार, वो थोड़ा सा तो यार कोडिंग उसको आता था ऐसा मुझे लगा, वरना कोई एक्सटेंशन को रीड राइट नहीं करवा सकता था। उन्होंने रीड राइट करवाया और एक्सटेंशन को स्टार मेथड दिया, मतलब स्टार लगा दिया, मतलब हर कोई एक्सटेंशन को वो रिमूव कर देगा। तो जितनी भी बार फॉर लूप इन्फिनिटी पे चली, जितनी भी फाइल बीच में आई, जिन जिन एक्सटेंशन डॉक हो या फिर py हो, exe हो या फिर txt हो, कोई भी एक्सटेंशन हो, सब कुछ रिमूव डिस्ट्रॉय होता जा रहा था, मतलब सारा डेस्कटॉप डिस्ट्रॉय हो चुका उसका। यार ऐसा क्यों करते हो, हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए करवाते या फिर हम जैसे करवाते ट्राई करना है तो उस तरह से करना, कोई एक्स्ट्रा सेपरेट फोल्डर बना लीजिए उसमें ट्राई कीजिए ना। लेकिन आप तो यार अपने दिमाग चलाते कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते और कुछ और ही हो जाता है, राइट। मेरे साथ भी होता था पहले, मैं भी कुछ ऐसी क्रैकिंग वीडियोस देखता था, हैकिंग नहीं बोल सकता हूँ, क्रैकिंग वीडियोस देखता था, तो मैं भी खुद से कुछ थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करता था और कुछ और ही हो जाता था। मेरा भी हार्ड डिस्क रिमूव हुआ, एक बार डिस्ट्रॉय हुआ था, लेकिन मेरा हार्ड डिस्क वापस से मैं रिकवर कर पाया था। और एक हाई रिकमेंड ये करना चाहता हूँ, मतलब एक वॉर्न करना चाहता हूँ, रिकमेंड तो नहीं है फ्रेंड, कि आप टोर ब्राउजर का यूज कम कीजिएगा जब तक आपको नॉलेज नहीं है, आपको एक्सेस कैसे करना है, आपको यदि टोर ब्राउजर पे जाते हैं तो कौन सी सिक्योरिटी हमें लगा के रखनी चाहिए हमारी पीसी में, यदि पीसी में आप उसको रन कर रहे हैं या फिर आप अपने फ़ोन पे रन कर रहे हैं, तो आपकी मतलब कुल मिला के डेस्कटॉप या फिर कोई भी हो डिवाइस आपका, उस पर सिक्योरिटी कौन सी लगा के रखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आप टोर पे जाते तो आप अकेले नहीं होते, टोर पे एक बार आप चले गए तो वहाँ पे आपके साथ काफ़ी सारे लोग आते हैं जो कि आप नहीं उसको देख पाते और वो भी आपको नहीं देख पाते, क्योंकि आपको पता है टोर पे काफ़ी सारे लेयर्स बने होते हैं, काफ़ी सारे आईपीस बाउंस होती है, और उन आईपीस के थ्रू आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे कौन देख रहा है, मैं तो एक एनजीओ माउस बन गया हूँ। लेकिन यार आप सिर्फ पहली बार आए हो, दूसरी बार आए हो, तीसरी बार आए हो, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं ना, जो ऐसे ब्लैक हैट हैकर है, ग्रेट हैकर है, जो इस तरह से आपको फाइंड करते रहते हैं और जो ज़्यादा कुछ नहीं करते, वो आपको आपको सिर्फ आपको फॉलो करते हैं, और जब आप उसको बैक लेते हैं ना, मतलब वापस आप लॉग आउट की ओर चल जाते हो, तो वो आपके साथ ही आपके साथ आता है और एंड में क्या करता है, वो एक बैकडोर लगा देता है। शायद आपको बैकडोर का कॉन्सेप्ट पता होगा सिक्योरिटी में, तो बैकडोर लगा के आप चले जाता है, फिर कुछ नहीं करता, वो चले जाता है, फिर उस बैकडोर से वो आप पे नज़र रख रहा होता है कि कौन कौन से एक्टिविटी हो रहे, कब वो डार्क वेब पे आ रहा है, मतलब ओनियन माउस को एक्सेस कर रहा है, ओनियन वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, और वो मौका मिलते ही आपके उसी बैकडोर से आपके डिवाइस में एंटर कर लेता है। फिर तो एनक्रिप्शन वाला कॉन्सेप्ट ही ओपन होता है, मतलब ज़्यादातर एनक्रिप्टेड ही आपकी फाइल को एनक्रिप्ट कर देता है, जिसका एक आपको प्रूफ देखने तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। मेरे फ्रेंड के अभी कुछ ही दो तीन दिन ही पहले मुझे मैसेज आया था कि भाई मेरा कुछ इस तरह से पीसी में मैसेज दिखा रहा है, क्या हुआ होगा, सारी की सारी फाइल्स ओपन नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मुझे समझ में आ गया था कि हुआ क्या है। पहली बात तो उनके पीसी में किसी ने बैकडोर बना दिया था, कहाँ पे बनाया फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात, उस बैकडोर को रिमूव कैसे करते हैं, उसका प्रॉपर आपको नॉलेज नहीं होता है, तो आप सिंपल सा फॉर्मेट लगा देते हैं, तो आप सोचते हो कि यार बैकडोर रिमूव हो गया, लेकिन उन्होंने यदि बायोस पे अटैक किया होता है तो वहाँ पे बैकडोर बेसिकली लगाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोई एक्सपर्ट ऐसा होता है जो कि लगा देता है हैकिंग में, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तीसरी बात कि आप डर के मारे क्या करते हैं कि आपके एनक्रिप्शन फाइल है उसको डिलीट करने लगते हैं, तो आप सोचते हो कि यार अब सब कुछ सही है, लेकिन यार बैकडोर यदि आपके पीसी में कोई कोने में लगा है, वो नहीं कि आपकी फाइल के साथ ही लगाया होगा, राइट, वो कहीं कोने में होते हैं जिस जहां आप जाते भी नहीं हो, क्योंकि वो आप पे नज़र रख रहे होते कुछ टाइम के लिए, फिर बाद में वो अटैक करता है। ऐसा नहीं है कि यार आज ही कर दिया और आज ही सब कुछ हो गया, राइट, ऐसा नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो आप डर मत जाएगा ऐसा कुछ होता है। और हाँ, एक चीज़ और आपको यहाँ स्क्रीनशॉट पे आप जूम में आउट करता हो, वहाँ पे दिख रहा होगा कि $980, ये क्या है, तो ये उनकी रकम है जो जिन्होंने हैकिंग किया है, उनको मेरे फ्रेंड से इतना बोला कि आप इतने पैसे हमें दे दीजिएगा, हम आपकी फाइल लौटा देंगे, लेकिन बैकडोर चले जाएगा या नहीं चले जाएगा उसका कोई पता नहीं है, और वो आपको बताते भी नहीं है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, राइट, बेसिकली आपके ब्रॉडबैंड के थ्रू ही पहुँचते, आपके वाईफाई के थ्रू पहुँचते, आपके इंटरनेट के थ्रू ही मतलब आते हैं, और कोई और ऑप्शन नहीं है। यदि उन्होंने कोई ऐसा वायरस बनाया, जैसे कि एक बीच में वायरस आया था 2000 शायद से 2000 में आया था,
कि आई लव यू वायरस था, वो कैसे फैलता था कि आपके ईमेल में था, आपके ईमेल में कोई और आप उसको एक्सेस करते थे तो आपके ईमेल में काफ़ी सारे और ईमेल्स होते तो उनमें सब में फॉरवर्ड हो जाते थे, इसी तरह से काफ़ी सारे मतलब फॉरवर्ड होना हो रहा था, तो इसी तरह से वो सब कुछ हैकिंग करते रहते। तो मेरे फ्रेंड में भी ऐसा ही हुआ था कि एक पीसी में तो ये चीज़ चल गई, तो पेनड्राइव के थ्रू उन्होंने क्या किया, वो एनक्रिप्टेड फाइल को किसी और पीसी में डाली, तो उनके साथ भी वो चला गया। तो मतलब बैकडोर उन्हीं में कोई फाइल में होगा ना, ऐसा आप सोचोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनका भी यार थोड़ा सा हाई लेवल कोडिंग होता है जो कि हमें नहीं पता है कैसा होता है, और बताए तो भी यार अभी तो नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि यार वापस से आप ट्राई कर लोगे। सो फ्रेंड्स, बेसिकली उस पर्सन के साथ क्या हुआ था, वो मैंने दो पर्सन की मतलब स्टोरी दिखा दी, एक जो मैंने कल वीडियो बनाया था उस पर ट्राई किया, और दूसरा जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है। तो थोड़ा सा यार बी अलर्ट रहेगा, ये अभी टेक्नोलॉजी युग चल रहा है तो इसमें थोड़ा सा यार हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।